वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पुराने लोगों को पता है जो हमारे साथ पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं, कई चैनल को, कई इलेक्शन को उन्होंने देखा है, उनको पता है कि हम लोग उस सीरीज में चल रहे हैं जिस सीरीज के अंतर्गत हमको ये एहसास, हमको ये पता चल जाएगा, हमको ये मालूम पड़ जाएगा किसी भी गीत को सुनने के बाद कि इस गीत का ठेका क्या है, रिदम क्या है और ये किस रिदम के अंदर चल रहा है। जो नए लोग हैं उनसे काइंडली पहले तो ये रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ध्यान में रख के लेसन बनाता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करने का भी यहाँ मौका मिलता है। आप अगर चाहें तो आप पर्सनली अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, अपने हिसाब का, अपनी ज़रूरत का लेसन यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए छोटा सा कंडीशन ये है कि आपको लाइफ टाइम के लिए वन टाइम मिनिमम 1000 रुपया गुरुदक्षिणा देना पड़ता है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मेरा अकाउंट नंबर लेके, और उसके बाद फिर आप निरंतर मेरे साथ जुड़ के रहते हैं। लेशन के साथ तो सीखते ही हैं, चैनल के साथ साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डिमांड है तो उसकी पूर्ति आपको पर्सनली मेरे व्हाट्सएप के जरिए भी होता है। अगर किन्हीं को ये इच्छा है कि मैं थोड़ा सा गुरुदक्षिणा दे के, थोड़ा सा हेल्प के दृष्टिकोण से कि मुझे उससे थोड़ा हेल्प मिल जाता है और आप फिर लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ जुड़े रहते हैं, अगर ज़रूरत महसूस होती है तो नीचे मेरा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। और कहरवा लेवल 3 का बहुत सारा लेसन मैंने दिया है, जो लोग नए हैं पुराने लेसन को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक प्रायः दे देता हूँ। और आज मोहम्मद रफ़ी साहब के सुपर डुपर हिट सॉन्ग के साथ हम लोग कहरवा लेवल 3 को पहचानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो 10 गीत मैं आज बताने वाला हूँ आप लोग को जो कहरवा लेवल 3 के प्लेटफॉर्म पे है, तो ये सब गीत अगर सुनिएगा तो पूरा रिदम मैंने दिया है बहुत सारा बना के, और इस गीत को भी सुनिएगा तो इससे आइडिया मिल जाएगा आपको कि वो ये हकीकत में कहरवा लेवल 3 का ये रिदम है, इस तरीका का वेरिएशन भी बनता है, ऐसा भी क्वालिटी उसका होता है। तो वो 10 गीत आप लोग को देखना है तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा, अगर मौका मिल जाए थोड़ा सा लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, ये सब चीज़ थोड़ा चैनल को प्रमोट करने में हेल्प मिलता है, और थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं वो 10 सुपर डुपर हिट गीत जो कहरवा लेवल 3 के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, इसको ज़रूर सुनिएगा। पहले तो मैं उदाहरण 10 गीत का बता देता हूँ, फिर मौका मिले तो ओरिजिनल इस लेसन को देखने के बाद आप लोग ओरिजिनल भी सुनिएगा और थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपके समझ में आ गया, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ भी बजा है जो कहरवा लेवल 3 के रिदम के अंदर ही है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला गीत। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो है छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता बताया था लेशन में कि बहुत सारा वेरिएशन दिया था, उसमें ये कहा था कि मेन जो ठेका है तो कभी कभी मेन धा जो है वो कहरवा लेवल 3 में गौन होता है, मेन धा गौन होने के बाद सेकंड जो उसका पार्ट है वो ज़्यादा प्रबल रूप से बजता है। जैसे इस रिदम को आप अगर सही से समझिएगा, ओरिजिनल भी सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि मेन धा का साउंड जो है इसमें थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद जैसे ठेका पर ध्यान दीजिए, यह है धी धाता, ये धाता का साउंड जो है धी धाता ती ताता, धी धाता ते ते ताता, ये धाता और ताता ये जो साउंड आ रहा है ये मेन साउंड है, इस पे ध्यान रख के इस टाइप के रिदम को बजाइएगा तो ज्यादा असरदार होगा। बजने के लिए आप इसका कोई भी प्रकार बजा सकते हैं, जैसे इसी को अगर चाटी के रूप में बजाए तो भी बजेगा, लेकिन ओरिजिनल गीत का इफेक्ट में मेन जो सम है, जो धा है वो बहुत प्रबल नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा जोरदार तरीका से नहीं बजाना है। जैसे अगर कोई लोग ऐसे भी बजाते हैं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, ये भी ठीक है, तो इसका मेन धा जोरदार आ रहा है, लेकिन ऐसा बजा नहीं, इसको गौन रखना है। राही कैसे था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। इस हिसाब से ध्यान में रख के आगे चलिए देख लेते हैं, चूंकि जल्दी जल्दी में मैं चाहता हूं कि आप लोग को एक सीरीज
रूपक तक तो जल्दी जल्दी पहुंचा दूं, क्योंकि उससे ये लाभ होगा कि फिर आप लोग जैसा भी फरमाइश करेंगे मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि फलाने लेवल का चीज़ है, या कुछ एक्स्ट्रा वेरिएशन अगर किसी गीत में मिलेगा तो फिर उसके ऊपर चर्चा करके बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं रूपक तक जल्दी जल्दी पहुँचाना चाहता हूँ। तो रफ़ी साहब का ये सेकेंड गीत देख लें, बहुत लाजवाब का है और जो कारवा लेवल 3 के प्लेटफॉर्म पर है। गीत क्या है? चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में ना दूंगा, आवाज में ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो ये गीत नंबर 2 सुनिएगा ओरिजिनल, कुछ अलग वेरिएशन लगेगा तो कोशिश करिएगा। दिए धागे न तिनक दिन, इतना सारा वेरिएशन मैंने दिया है, अगर कुछ कहीं कहीं लगे कुछ अलग अलग है तो ओरिजिनल सुनने से आपको खुद भी थोड़ा बहुत, मैं ये सीरीज इसलिए भी शुरू किया क्योंकि आपको गीत सुनते पता चल जाए कि ये फलाने ठेका में है, या कुछ एक्स्ट्रा रिदम अगर बजाए तो उसके लिए मैं बीच बीच में कायदा देते रहता हूँ। आज दोबारा एक लेसन में कोशिश करूँगा बना, एक और कायदा बनाऊँगा, तो बीच बीच में कायदा का जो मैं लेसन देता हूँ इसलिए भी कि आपको दक्ष बनाना है, क्योंकि आप सुनते हैं किसी भी रिदम को, आप अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन अलग है तो उसको आप बजा दें। आइए देख लेते हैं गीत नंबर 3, ये मोस्ट पॉपुलर फेमस गीत है, आज भी बड़े चाव से लोग गाते बजाते हैं। गीत है परदेसियों था। तो ये सारा गीत आप लोग को सुनना है। अब देख लेते हैं गीत नंबर 4। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, उससे मिलने को ना नंबर 4 आपने देखा, अब देखेंगे गीत नंबर 5। खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, मुझको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया ये था गीत नंबर 5। गीत नंबर 6 देख लीजिए, और मैंने कहा था कभी कभी ये बात कि कहरवा लेवल 2 और 3 मिलता जुलता, कभी कभी क्या लगेगा कि दोनों पार्ट, अगर गीत थोड़ा कहरवा लेवल 3 के प्लेटफॉर्म पे आपको लग रहा है लेकिन थोड़ा स्लो मौसम में है, तो उसमें आप देखिएगा कि एडिशन हो गए कहरवा लेवल 2 फास्ट रिदम में बसता है। अगर कहरवा लेवल 2 कभी कभी बहुत फास्ट रिदम में है तो कहरवा लेवल 3 का स्लो मोशन उसमें प्ले होता है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए। और ये जो अभी गीत आप लोग देखने वाले हैं गीत नंबर 6 के रूप में, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, इसको सुनिएगा तो दोनों लेवल आपके समझ में आएगा कि ये दोनों चीज़ कहीं ना कहीं बज रहा है। गीत है, बहुत फेमस गीत है। अरे खिलौने वाले खेल खिलौना लेके आया, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि एक लेवल दूसरे लेवल में टच करता है, तो इसको ध्यान में रख के, और बहुत सारा वेरिएशन जो मैंने बना के दिया उसको सुनिएगा और ओरिजिनल गीत सुनिएगा तो आपको लगेगा कि कौन कौन सा वेरिएशन इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है।
और जब भी किसी गीत को करवा लेवल थ्री के किसी भी गीत को अगर लेके आप प्रैक्टिस करने बैठें तो जरूरी नहीं कि जो ओरिजिनल बजा है उतना ही बजा है, नकलची तो फिर नकल में रह जाते हैं, फिर उनका तो अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे इसी गीत का उदाहरण लें तो जितना वेरिएशन है सारा मैंने जो बना के दिया है वो सारा का सारा वेरिएशन एक गीत के अंदर आप बजा के उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वही है, वेरिएशन चेंज होता है, ये सब चीज तरीका इस तरीका का ट्राई करते रहना चाहिए अपने प्रैक्टिस में। आइए अब देखते हैं गीत नंबर 7, बहुत फेमस गीत है। मैं बचपन में सबसे पहले बार स्टेज पे अगर कोई चढ़ा था और बहुत लोगों का डिमांड था, क्योंकि स्कूल वगैरह में गाया करता था, तो ये गीत मुझे याद है कि मैं सबसे पहले मंच पे ये गीत गाया था। रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फैन था बचपन से ही मैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे गीत नंबर 7। आगे देखिए गीत नंबर 8। इस गीत का जो गीत नंबर 8 में आप लोग सुनेंगे, इसका तो मैं स्पेशली वेरिएशन बना के दिया हूँ अलग से पार्टिकुलर गीत का, लेकिन याद दिला देता हूँ कि ये गीत भी करवा लेवल 3 के प्लेटफॉर्म पे चलेगा। छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया से। ये था गीत नंबर 8। अब जो गीत देखना है 9 और 10 में, ये गीत के साथ एक अलग वेरिएशन आपको सीख लेना है, क्योंकि ये वेरिएशन शायद नहीं बताया हूँ। मैंने कहा भी था वेरिएशन के बीच में कि बीच में कभी ऐसा गीत अगर मौका लग गया तो मैं उस पर चर्चा जरूर कर दूंगा। जैसे ये गीत है, ये रिदम सुन लीजिए आप। इस टाइप का डफ साउंड जरूर दिया था मैंने, ये बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था जो गीत के अंदर रिदम में इसका प्रयोग है। आप सुन लीजिए, पहले ठेका देख लीजिए अगर मौका मिल गया है। धाती तरक, धाती तरक, हिट हिट लास्ट में, धाती सारा। नया गीत में भी सब चीज़ प्रयोग हुआ है और बहुत मिडल गीत में आपको मौका मिलेगा, इसलिए मैं बता दिया हूँ। रफ़ी साहब के द्वारा गाए हुए गीत में देख लीजिए, 2 गीत लगातार 9 और 10 कहीं ना कहीं इस रिदम से टच करता है। इस हिसाब से एक गीत और है जिसमें ये प्रयोग हुआ है, गीत नंबर 10 के रूप में देख लीजिए। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए।
इस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि इन तमाम गीत पे प्रैक्टिस करेंगे, और जब इतना गीत सब आपके जहन में आने लगेगा तो खुद ब खुद आप बाय फॉरगेट कर लीजिएगा गीत को, कि वो ये कहरवा 2 का है, ये 3 का है, ये 1 का है। फिर अपने खुद से भी जब भी मैं कायदा वगैरह का प्रैक्टिस दूँ तो ज़रूर उसका खूब अच्छा से अभ्यास करना है। निरंतर लगे रहिए और कमेंट जरूर करिए, थोड़ा शेयर करिए, और संगीत सफर पे मेरे साथ बन के रहिए। थैंक यू।